टीचर शिवांशु अत्रे, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में। तो चलिए आज अपन 10th क्लास के रिवीजन के 9th डे की ओर चलते हैं और शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जानने से पहले हम छोटा सा बात कर लेते हैं सीक्वेंस की। ये सीक्वेंस क्या होती है? देखिए, अगर मैंने आपसे कहा सपोज आप कुछ नंबर्स को अरेंज कर दीजिए, ठीक है, मान लीजिए कुछ नंबर्स हैं A1, A2, A3, An, ये कुछ नंबर है, अगर मैंने कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर दिया, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, देन दैट इज नोन एज सीक्वेंस, दैट इज नोन एज सीक्वेंस। जैसे हम बात करते हैं A1 हमारा फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, An nth टर्म या लास्ट टर्म। तो अब ये जो सीक्वेंस होगी ये कोई पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर रही है। अब अगर इसका जो ऑर्डर इस तरह से होगा कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम हो जाए, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम हो जाए, तो वो सीक्वेंस बन जाती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। A फॉर अर्थमेटिक और A फॉर एडिशन, यानी कि A1 में कुछ ऐड करके A2 मिले, सेम नंबर A2 में ऐड करके A3 मिले, सेम नंबर A3 में ऐड करके A4 मिले। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई, क्लियर है? इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस आर कांस्टेंट, देन दैट सीक्वेंस इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बात करते हैं, यानी कि A2 माइनस A1 का वैल्यू वही होगा जो A3 माइनस A2 का होगा, क्लियर? ये वही होगा जो A4 माइनस A3 का होगा, क्लियर है? और इसी को हम आगे लेके चले तो यहां लास्ट तक ले जाते हैं An माइनस An माइनस 1, An माइनस 1 n से पहले वाला टर्म। अब हमने कहा है कि डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो d से डिफरेंस, क्लियर है? तो d ले लेते हैं अपन, इज इक्वल टू d, देखिए कांस्टेंट हो गया, A2 माइनस A1 भी d हो गया, A3 माइनस A2 भी d हो गया, सब इंडिविजुअली d के बराबर हो गए डिफरेंस में। अब ये जो d है ये सबके लिए कॉमन आ गया, तो नाम रख दिया हमने कॉमन डिफरेंस, सिंपल, इसका नाम हो गया कॉमन डिफरेंस, क्लियर है यहां तक, है ना? अब देखिए इसको इंडिविजुअली ले लीजिए, A2 माइनस A1 हो गया मेरा D, A3 माइनस A2 हो गया मेरा D, A4 माइनस A3 हो गया मेरा D, और ये आगे चलता रहेगा। अब यहां जो मेरा फर्स्ट वाला है A1, क्या है? फर्स्ट वाला A1, इसको मैं कहता हूं A, इसका नाम देता हूं मैं A, और इसको लिख देता हूं फर्स्ट टर्म, कौन सा टर्म? फर्स्ट टर्म, पहला टर्म, क्लियर है? A2 हो जाएगा सेकेंड टर्म, An हो जाएगा nth टर्म, An हो जाएगा L भी कह सकते हैं, और लास्ट या nth टर्म, क्लियर? अब हम बात करते हैं यहां पे, देखिए A2 का वैल्यू है A1 प्लस D, अगर मैं A1 को दूसरी तरफ ले जाता हूं तो मैं लिख देता हूं भाई, यहां से मुझे समझ में आया A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D, क्लियर? यहां से मुझे समझ में आ गया A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D, क्लियर? और यहां से समझ में आ गया मुझे A4 इज इक्वल टू A3 प्लस D, बहुत सिंपल सी वैल्यूज चल रही है। अब देखिए A1 क्या है? A, फर्स्ट टर्म, तो मैं यहां लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज A2 का वैल्यू मिल गया मुझे A प्लस D सेकेंड टर्म, क्लियर? यहां से मैं बात करता हूं तो यहां से मुझे A3 मिल जाएगा, देखिए A2 का वैल्यू क्या आ गया A प्लस D, तो यहां A2 की जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूं A प्लस D से, तो ये बन जाएगा मेरा A प्लस 2D। अब बात करता हूं A4 की, तो A4 का वैल्यू है A3 प्लस D, A3 कितना आ गया A प्लस 2D, वैल्यू रख दीजिए तो A प्लस 2D प्लस D, तो ये बन जाएगा A प्लस 3D, A प्लस 3D। अब देखिए सेकेंड टर्म में 2 माइनस 1D, थर्ड टर्म में 3 माइनस 1D, फोर्थ टर्म में 4 माइनस 1D, एक कम आ रहा है, तो अगर मैं इसी को आगे ऑर्डर लेके चलता हूं तो यहां से मुझे समझ में आता है An इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, An इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D,
क्लियर है, ये हो गया हमारा nth टर्म। एक कम आ रहा है ना, n से n माइनस वन आ गया, 4 से 3 था, 3 से 2 था, 2 से 1 था। तो ये जो हमारा है जनरल फॉर्म, इसको हम कहते हैं जनरल टर्म। कौन सी टर्म? जनरल टर्म, या nth टर्म भी कहते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब इस छोटी सी वैल्यू से देखिए कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। मैक्सिमम आपके यहां अगर एग्जाम में बात करें तो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसी से आ जाता है, क्वेश्चन घूम के पूछा जाता है, कई बार 3 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है। तो चलिए आज मैं इस पैटर्न पे आपको बता देता हूं कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और आप कितना इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि चेक वेदर द फॉलोइंग इज इन एपी और नॉट, है ना। जैसे क्वेश्चन आ गया चेक वेदर द फॉलोइंग, चेक वेदर द फॉलोइंग इज इन एपी और नॉट, और आपको कुछ सीक्वेंस दे दी, सपोज 2, 4, 8, 16, ठीक है, क्लियर। तो आपको लगेगा देखो पैटर्न तो फॉलो कर रहा है, इनटू टू हो रहा है ना। पर देखिए हमें एपी के बारे में बात करनी है, अभी किसी और की बात नहीं कर रहे। तो आप क्या करेंगे, a1 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 4, a3 इज इक्वल टू 8, क्लियर। अब आप फाइंड कीजिए a2 माइनस a1, ये आया आपका 4 माइनस 2 यानी कि 2। अब कीजिए आप a3 माइनस a2, ये आया 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहां डिफरेंस आ गया 2 और यहां आ गया 4। हमने कहा था डिफरेंस सेम रहना चाहिए, यहां डिफरेंस बदल गया, तो हम यहां कह सकते हैं 2 इज नॉट इक्वल टू 4, 2 4 के बराबर नहीं है, इट मींस देयरफॉर 2 4 8 16 इज नॉट एन एपी, क्लियर। ये एपी नहीं होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये बन सकता है 1 नंबर का। आगे चलते हैं, आगे आपसे पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन आ गया चेक वेदर, सपोज एक नंबर दे दिया 82 इज अ टर्म ऑफ एपी और नॉट, और एपी आपको दे दी सपोज 2, 6, 10, 14 एंड सो ऑन। अब आपसे पूछा गया है ये जो एपी बन रहा है मेरा, इसमें बताइए 82 आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले जो गिवन होता है ना उससे हम तुरंत फाइंड करते हैं कि भाई पहला तो मेरे पास ए हो गया, दैट इज योर 2। अब बात करते हैं डी की, हमें केवल ए और डी चाहिए फिर हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं एपी के अंदर। ए आ गया 2, अब बात करते हैं डी की, डी हो जाएगा 6 माइनस 2 यानी कि 4, डिफरेंस कर दिया, क्लियर। ए आ गया, डी आ गया, पूछा क्या है 82 इसका टर्म है या नहीं है। तो चलिए अपन तो मान लेते हैं कि 82 इसका टर्म होगा, 82 इसका टर्म होगा, तो अपन लिखते हैं लेट 82 बी nth टर्म। कौन सा टर्म है? nth टर्म आ रहा होगा कहीं, तो n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, क्लियर है। अब an कितना मान लिया मैंने, 82, तो ये आ जाएगा आपका 82 इज इक्वल टू a कितना है, 2 प्लस n माइनस 1, 4, ये हो गया 80 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, तो n माइनस 1 का वैल्यू हो गया 20, तो n आ गया मेरा 21, क्लियर है। अब देखिए n अगर पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ रहा है, ये नेचुरल नंबर आ रहा है, तो ये इसका टर्म होगा। अगर n फ्रैक्शन में होता, अगर n फ्रैक्शन में होता, गौर कीजिएगा बात को, तो ये इसका टर्म नहीं हो पाता, क्योंकि कभी आपने सुना है क्या, फाइंड द 3.5 टर्म, फाइंड द 36/5 टर्म, फाइंड ही नहीं कर सकते। तो ये जो होता है ये हमारा एग्जैक्ट आना चाहिए, तो एक क्वेश्चन ये बन गया। अब सेम यही होगा, बस क्वेश्चन का तरीका बदल जाएगा, हो सकता है वो आपसे पूछ ले, हो सकता है वो आपसे पूछ ले विच टर्म ऑफ द एपी इज 82, और एपी यही दे दी 2, 6, 10, 14, क्लियर। अब देखिए यहां क्या था, पता करना था कि 82 टर्म है या नहीं है, यहां क्या आया
यहाँ कह रहा है वो कि 82 तो टर्म है, आप बता दीजिए कौन से नंबर का होगा। तो बिल्कुल आपको इसी तरह से करना है, लेट 82 बी द nth टर्म। अप्रोच बिल्कुल सेम है, a2 d4, लेट 82 बी nth टर्म। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, n का वैल्यू 21 आ जाएगा, देयरफॉर 82 इज द 21st टर्म। 82 इज द 21st टर्म, क्लियर है? यहां क्या था, यस 82 इज अ टर्म, यहां था 82 इज द 21st टर्म। हो सकता है क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ लिया जाए, इसी का दूसरा तरीका, फाइंड द 21st टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, 2, 6, 10, 14 एंड सो ऑन, क्लियर। अब इसका भी करने का तरीका यही है, ए लिख लिया 2, डी लिख लिया 4, क्या फाइंड करना है, 21, तो ए 21 यानी कि ए प्लस 20 डी, तो यानी कि 2 प्लस 20 इंटू 4 यानी कि 2 प्लस 80, तो ये हो गया आपका 82, क्लियर है? देखिए क्या अलग अलग तरीके से क्वेश्चन घूम रहे हैं, करने का तरीका सब अप्रोच एक जैसी जा रही है, ए प्लस एन माइनस 1 डी हमारे लिए भगवान का काम कर रहा है, क्लियर है? अब आगे चलते हैं, आगे और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। मान लीजिए इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द टर्म विच इज 40, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया फाइंड द टर्म विच इज 40 मोर देन 21st टर्म ऑफ एपी 2, 6, 10, 14 एंड सो ऑन। अब यहां हमसे क्या पूछा गया है, यहां पूछा गया है कि बताइए वो कौन सा टर्म होगा जो 40 ज्यादा होगा 21st टर्म से। तो इसका भी करने का तरीका वही, a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 6 माइनस 2 यानी कि 4। अब लेट nth टर्म जो अननोन हो ना, जो अज्ञात हो, उसको ज्ञात करने के लिए n मान लीजिएगा, उसको नोन करने के लिए n मान लीजिएगा, लेट nth टर्म बी 40 मोर देन 21st टर्म, क्लियर है? लेट nth टर्म बी 40 मोर देन 21st टर्म। तो अब आप देखिए इससे इक्वेशन क्या बनेगी, an जो होगा वो आएगा अकॉर्डिंगली 40 प्लस a 21, an जो आएगा वो आएगा 40 प्लस a 21। अब an होता क्या है, an की बात कर लेते हैं, तो an आता है अपना a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू, क्लियर है? अब हम बात करते हैं 40 की, और a 21 हो जाएगा हमारा a प्लस 20 d, a प्लस 20 d। अब a का तो वैल्यू रखने का जरूरत ही नहीं पड़ा, a से a कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 d इज इक्वल टू 40 प्लस 20 d। अब d का वैल्यू कितना है, 4 रख दीजिए, 20 इंटू 4 80, 80 प्लस 40 120, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 120, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 30, तो n का वैल्यू आ गया 31। चलिए उतार लीजिए फटाफट। चलिए अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे आ गया फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एन एपी 2, 6, 10, 14 और 82। यानी कि अब यहां से जो टर्म की बात कर रहा है वो लास्ट से पूछा जा रहा है, अब ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, उसको घुमा के दे दिया गया, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का आ सकता है। जैसे हम मानते हैं एपी लिखा हुआ है 2, 6, 10, 14, पहले तो जो लिखा हुआ हो उसको हमने लिख दिया एपी देखते ही, यहां से ए मिल गया 2, डी मिल गया 4 और एल यानी कि मेरा ए एन लास्ट टर्म मिल गया 82, क्लियर। अब आप ये देखिए जो रास्ता मेरे घर से आपके घर जा रहा है वो आपके घर से मेरे और भी आ रहा है, सिंपल है ना। देखिए ये लिखा हुआ है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, पर ये कहीं नहीं लिखा कि केवल और केवल पॉजिटिव ही होना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं बात करता हूं 4, 4, 4, 4, 4, अगर मैं रिवर्स में आऊंगा तो -4, -4, -4, -4, तो भी तो कांस्टेंट रह रहा है ना डिफरेंस, तो माइनस का हो गया, नेगेटिव हो गया, वो अलग चीज है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक नई एपी बना लेंगे। अब नई एपी कुछ अलग से नहीं लाएंगे, जो हमारा लास्ट टर्म होगा उसको हम फर्स्ट टर्म ले लेंगे,
फॉर न्यू एपी, ठीक है, हमने नई एपी ले ली, जो हमारा लास्ट टर्म था ए डैश, जो एल था हमारा लास्ट टर्म वो हो गया 82, डी डैश, अब डी डैश जब हम रिवर्स में आएंगे तो फ्रंट वाले का माइनस हो जाएगा, तो माइनस का डी यानी कि माइनस का 4। अब लास्ट से सिक्स तो पूछा जा रहा है, मैंने इसी को फर्स्ट कर दिया तो यानी कि इसी से तो सिक्स हो गया, तो देयर फोर ए डैश 6 इज इक्वल टू ए डैश प्लस 5 डी डैश, यानी कि 82 प्लस 5 इंटू माइनस 4 यानी कि 82 माइनस 20 तो ये हो गया आपका 62। तो 62 इज द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एन एपी, ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है इसी तरह का, पूछ लिया जाता है आपसे विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, है ना, जैसे क्वेश्चन आ गया विच टर्म ऑफ द एपी और एपी दे दिया गया आपको 82, 78, 74 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है भाई, इसको बहुत बेसिक से समझिए, पहली नेगेटिव टर्म कौन से नंबर की होगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप ये देखिए भाई 82, 78, 74 हम देख रहे हैं कि नंबर्स तो कम होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो जीरो या उससे कम होंगे। अब जो अननोन है, जो अज्ञात है, उसको नोन करने के लिए, ज्ञात करने के लिए उसको क्या मानना पड़ेगा, एन, क्या मानना पड़ेगा, एन। तो आप मान लीजिए लेट एनथ टर्म बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, क्लियर है, आपने क्या मान लिया, एनथ टर्म पहली नेगेटिव टर्म होगी। अब आप इसमें देखिए नेगेटिव यानी कि जीरो से छोटा, सिंपल, नेगेटिव यानी कि जीरो से छोटा, तो हमारी nth टर्म नेगेटिव टर्म है, तो यानी कि यहां से क्या समझ में आया, ए एन इज लेस देन जीरो, नेगेटिव हो गया, ए एन क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी लेस देन जीरो, ए कितना है 82, डी कितना है माइनस का 4 लेस देन जीरो, सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 86 माइनस 4n लेस देन जीरो, है ना, तो अगर मैं यहां से बात करूं तो क्या बना, 4n इज ग्रेटर देन 86, तो n इज ग्रेटर देन 86 बाय 4, कैंसिल आउट हो रहा है तो कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 43 बाय 2, यानी कि n इज ग्रेटर देन 21 1 बाय 2। अब देखिए 21 1 बाय 2 यानी कि 21 से कुछ बड़ा आ रहा है, क्लियर है, तो कौन सा टर्म होगा 22, तो 22 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। पर इसमें आप एक चीज देखिए, अगर ये लास्ट में फ्रैक्शन नहीं होता और ये एग्जैक्टली मेरे पास एक नेचुरल नंबर आ जाता, n इज ग्रेटर देन 21 होता, तो वहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि 21 नंबर का टर्म जीरो होगा, जब ये सीरीज आएगी ना तो कहीं ना कहीं जीरो आएगा, पर किस केस में, अगर ये फ्रैक्शन नहीं हो रहा होता, केवल 21 होता, क्लियर है, पर दोनों ही केस में आंसर तो अपना 22 रहने वाला है, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर 22nd टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, क्लियर है, यह आपने लिख दिया 22nd टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, समझ में आ गया आपको, कितना इजीली कर दिया अपन ने, हमने मान लिया nth टर्म हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म है और उसको आगे हमने प्रोसीड कर दिया। अब क्या होता है, कई बार एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन इसमें आ जाता है, 3 डिजिट 4 डिजिट 2 डिजिट के नंबर्स के ऊपर, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 7, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आ गया हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर, कितने 3 डिजिट नंबर होंगे विच आर डिविजिबल बाय 7, है ना, कितने 3 डिजिट नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का बनता है या इस तरह का बनता है, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको 3 डिजिट का लीस्ट और हाईएस्ट नंबर फाइंड करना पड़ेगा, तो लीस्ट 3 डिजिट नंबर होता है, लीस्ट 3 डिजिट नंबर कितना है भाई 100, क्लियर, और दूसरी तरफ लिख लीजिए हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर ये कितना है 999, है ना,
अब आप क्या कीजिए, 100 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 1 7 3 30 4 28 2, दो रिमाइंडर बच गया। यहां ट्रिपल लाइन को कर दीजिए 7 से, 7 1 7 2 9 4 28 1 9 2 14 5, यानी कि इन दोनों केस में कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है, ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं रिमाइंडर का, मतलब होता है जो बच जाता है, यानी कि 100 में से अगर मैं 2 माइनस करूंगा 98, तो 98 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7, बट वो केस बदल जाएगा, वो 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। मुझे क्या चाहिए, 3 डिजिट नंबर, तो मैं यहां से कह सकता हूं दिस इंप्लाइज A1, यानी कि मेरा पहला नंबर जो होगा वो होगा 100 माइनस 2 प्लस 7, 100 माइनस 2 प्लस 7, ये हो गया 105। क्लियर है, प्लस 7 क्यों करा, क्योंकि यहां डिविजिबल बाय 7 चाहिए, तो 7 का मल्टीपल चलता चला जाएगा। अब यहां बात करते हैं एन या लास्ट टर्म, ये होगा मेरा 999 माइनस 5, यहां प्लस 7 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही प्लस 7 करेंगे वो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, मेरा टारगेट तो 3 डिजिट नंबर का है। क्लियर हो गया। और डी क्या होगा, डी 7 होगा। क्लियर है। अब कितने नंबर है जो अननोन है, उसको नोन करने के लिए क्या मान लेते हैं, एन, तो अपन लिख लेते हैं लेट देयर आर एन 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। क्लियर है। तो अब जब ये हमने मान लिया एन 3 डिजिट नंबर है, तो इस दिस इंप्लाइज एन का वैल्यू क्या होगा, 994, और एन कितना होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 994, तो ये हो गया आपका 105 प्लस एन माइनस 1 7 इज इक्वल टू 994, तो एन माइनस 1 × 7 इज इक्वल टू 889, तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 127, तो एन का वैल्यू आ गया 128, सो देयरफॉर There are 128 three digit numbers which are divisible by 7. देखिए कितना easily अपन ने इस question को कर लिया। चलिए उतार लीजिए इसको फटाफट। So that's all for this video. हम next class में इससे related कुछ अच्छे questions और करेंगे और sum of n terms AP के बारे में बात करेंगे। Have a nice day. Thank you very much. Best of luck for your exam.